वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है ये टॉपिक आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं आपको फ्लाई ऐश से रिलेटेड। मतलब उसमें बेसिक जो उसकी डेफिनेशन होती है, उसमें क्या क्या यूज़फुल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सिविल गुरु जी का ऑनलाइन मॉड्यूल तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ में ही ऑफलाइन मॉड्यूल भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इससे रिलेटेड अधिक जानकारी और चाहिए आपको तो तुरंत कॉल करिए 9111001234 पे, या आप विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com पे। उसके साथ में एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा हमारे साइट इंजीनियर्स को, जो साइट में काम कर रहे हैं उनके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है, पॉकेट डायरी फॉर सिविल साइट इंजीनियर्स। उसको भी जाके एक बार देखिए, हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्लाई ऐश ब्रिक, ये फ्लाई ऐश जो रेसिड्यूल होता है वो कहाँ से मिलता है हमको। तो इसका जो सबसे पहला मेजर पार्ट है कि जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो कोल का कम्बशन होता है, कोल के कम्बशन पे हमारी जो हीट एनर्जी डेवलप होती है, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पर उसके साथ में ही एक रेसिड्यू बच जाता है कोल का, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक, जिसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है एनवायरनमेंट में। एक यही एक चीज़ है जो एक साथ तीन तीन पॉल्यूशन कर रही है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। उस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत रिसर्च किया कि फ्लाई ऐश का जो रेसिड्यू है उसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लाई ऐश का यूज़ को करने के लिए क्या किया गया, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाया गया, जिसमें फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी, हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, उसमें सैंड मिक्स करते हैं, सीमेंट या लाइम मिक्स करते हैं, उसके साथ जिप्सम, और उसमें एक अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं और इसके मोल्ड्स प्रिपेयर करते हैं। मोल्ड प्रिपेयर करने के बाद उसको ओवन ड्राई करा जाता है, उसके बाद हमारा जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो प्रिपेयरिंग प्रोसेस में यहाँ क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे ये जो इको फ्रेंडली एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स का एक स्टेप लिया गया है, क्योंकि जो रेड ब्रिक्स हैं आप जानते होंगे कि ओपन भट्टी में बनता है, जिसके कारण और पॉल्यूशन होता है। उसके साथ साथ में ही एक फ्लाई ऐश जो है वो अलग ही एक रेसिड्यू है, जो सॉइल में सॉइल इरोजन कर सकता है, वाटर पॉल्यूट कर सकता है, एयर पॉल्यूट कर सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। उस चीज़ को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे आपने देखा होगा कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो मैं फ्लाई ऐश ब्रिक के कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो फ्लाई ऐश ब्रिक आपका लाइट इन वेट होता है, मतलब कि जो आपके रेड ब्रिक्स होते हैं उसका आपका 3 to 3.5 kg वेट होता है, पर फ्लाई ऐश ब्रिक का जो वेट होता है वो होता है आपका 2.6 kg, जो रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में कम है। इसका यूज़फुल क्या हो जाएगा कि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब कि आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने साइट में। उसके साथ साथ में ही आप जब फ्लाई ऐश ब्रिक को यूज़ करते हैं तो आपका जो डेड लोड आता है वॉल का, लोड बेयरिंग वॉल का और नॉन लोड बेयरिंग वॉल, दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं आप, तो वहाँ से उस डेड लोड को भी आप कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं फ्लाई ऐश की बात करूँ तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे नॉर्मल ब्रिक से बहुत कम होता है, इसका 12% से 15% तक का ही वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और इसको हमको 24 आवर्स के लिए पानी में इमर्स करके नहीं रखना पड़ता है। यूज़ करने से पहले जस्ट एक स्प्रिंकल कर देते हैं, जस्ट पानी को फेंक देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है। तीसरी अगर मैं इसके वेस्टेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में या कोई वेस्टेज ब्रेकेज की बात करूं तो ये इसका जो वेस्टेज परसेंटेज है वो आपका 2 to 5% का ही वेस्टेज है, मतलब कि जो हमारे नॉर्मल रेड ब्रिक्स होते हैं उसमें 10% तक का हमारा वेस्टेज होता है। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो हमको बॉन्डिंग लगती है उसमें बॉन्डिंग में हम लोगों को और उसको अच्छा करने के लिए स्टोन डस्ट या मार्बल डस्ट का यूज़ करना पड़ता है, पर अगर मैं मोर्टार की बात करूँ तो नॉर्मल ब्रिक वर्क से 30% कम इसमें मोर्टार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइज़ की, तो मैं साइज़ की अगर बात करूँ तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे एक फ्लाई ऐश ब्रिक का काम हुआ है, वहाँ पे जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 230 mm, मैं नॉन मॉड्यूलर साइज़ की बात कर रहा हूँ, तो 230 mm इसकी लेंथ होती है। अगर विड्थ की बात करें तो वो होती है आपकी 110 mm,
वैसे ही अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसमें होती है आपकी 70 mm। ये केस है नॉन मॉड्यूलर का। ये स्टैंडर्ड साइज़ में भी आते हैं, 119 to 90 mm के भी साइजेस में अवेलेबल है फ्लाई ऐश ब्रिक। अब मैं इसके कुछ टेस्ट की बात करता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे फ्लाई ऐश ब्रिक में जो टेस्ट होता है वो होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें हम लोग जनरली 3 ब्रिक्स लेते हैं और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं थ्रू UTM। क्या करते हैं कि 3 ब्रिक्स का जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो उसको हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू मिल जाती है जो कि आपकी 35 to 300 kg/cm² तक के आ जाती है। इसमें एक और लिमिटेशन है, जितना बड़ा साइज़ का लिमिटेशन है आपका, जितना बड़ा साइज़ होते जाएगा ब्रिक का उतने आपके वेस्टेज बढ़ते जाएंगे, तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं दूसरे टेस्ट की बात करूँ वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12% से लेकर 15% तक का ही वाटर एब्जॉर्प्शन है इसका, उस टेस्ट को करने के लिए एक ब्रिक लेते हैं हम लोग, उसको ओवन ड्राई करते हैं, ओवन ड्राई करने के बाद उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख के उसका वेट लेते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरा ब्रिक लेते हैं जिसको हम लोग पानी में 24 आवर्स के लिए इमर्स करके रख देते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, प्रॉपर क्लॉथ से साफ़ करते हैं और उसका वेट लेते हैं ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसका वेट लेते हैं। इससे ही हम लोग निकाल लेते हैं इसका वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि आपका W1 और W2 हो जाएगा। तो आप जस्ट निकाल सकते हैं W2 - W1 / W1 × 100, वहाँ से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा जो कि रेड ब्रिक से ज़्यादा अच्छा होता है। थर्ड आपका टेस्ट होता है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें आपको एफ्लोरेसेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो भी सल्फेट अटैक के कारण हमारे ब्रिक्स जो बिगड़ जाते हैं उनका टेस्ट यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ टेस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन की, तो सपोज़ अगर ये मेरी 10 मीटर लेंथ वॉल है और इसकी जो विड्थ है, मतलब 230 mm, जो 9 इंची की वॉल बोलते हैं हम लोग जनरली, तो यहाँ 230 mm की वॉल है आपकी विड्थ की और जो लेंथ है वो आपका 10 मीटर का है। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1.5 मीटर के आसपास का इसका हाइट है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक बाउंड्री वॉल थी जो कि आपकी 10 मीटर लेंथ की थी, जो इस बाउंड्री वॉल का हाइट था वो मैंने 1.5 मीटर लिया, ठीक है। 1.5 मीटर लेने के बाद जो मैं विड्थ ले रहा हूँ इस बाउंड्री वॉल की, वो ले रहा था 230 mm, दैट इज़ 9 इंची की वॉल जो हम लोग बात करते हैं जनरली। अब यहाँ पे अगर मैं इस वॉल का वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10 × 1.5, ये हो गई मेरी लेंथ और हाइट। अब विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करके, वो हो जाएगा 230। यहाँ से आपका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.45 m³। अब मेरे को टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल तो मिल गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं देखूँगा कि मेरा जो साइज ऑफ ब्रिक है, साइज ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक का जो साइज है मेरा विदाउट मोर्टार के केस में, अभी हम लोग बात कर रहे थे विदाउट मोर्टार के केस में, ठीक है, ये कौन सा साइज होगा आपका नॉन मॉड्यूलर साइज। तो नॉन मॉड्यूलर साइज के लिए जो हमारा ब्रिक का साइज होता है विदाउट मोर्टार के केस में, वो होता है आपका 230 × 110 × 70 mm। अब सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि जो हम लोग मोर्टार बेड यूज करते हैं, मोर्टार बेड की आपकी थिकनेस होती है 10 mm, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो साइज है विदाउट मोर्टार का, अब मेरे को विथ मोर्टार के अगर केस में इसका साइज निकालना होगा, तो विथ मोर्टार के केस में आपका हो जाएगा, जस्ट मैं क्या करूंगा हर डायमेंशन में उसका 10 mm को जोड़ दूंगा, तो वो हो जाएगा आपका 240 × 120 × 80 mm। ये मेरा हो गया साइज ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक विथ मोर्टार के केस में। तो कभी भी हम लोग अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं तो उसके लिए सिर्फ मेरे को दो चीज की जरूरत है, जो मेरा टोटल वॉल्यूम है और उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक विथ मोर्टार। तो विथ मोर्टार के केस में अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं ब्रिक साइज का, तो क्या हो जाएगा मेरा 0.002304 m³। ठीक है, फिर यहां से मेरे को पता चल गया कि मेरा वॉल्यूम ऑफ
फ्लाई एश ब्रिक जो है विथ मोर्टार के केस में उसका वॉल्यूम मेरे को मिल गया, मेरे पास टोटल वॉल्यूम है अपने वॉल का, तो जस्ट मेरे को क्या करना है, जो मेरा टोटल वॉल्यूम है 3.45 उसका मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश ब्रिक विथ मोर्टार के केस से। तो इसको करने के बाद जो मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका 1498 नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं नॉन मॉड्यूलर के केस में फ्लाई एश ब्रिक के लिए। जस्ट आपको साइज ध्यान रखना है और नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश ब्रिक विथ मोर्टार के केस में। बस साइज ध्यान रखें, बेड मोर्टार आपका ज्यादा से ज्यादा 12 mm का देते हैं, उससे ज्यादा हम लोग कभी भी बेड मोर्टार प्रोवाइड नहीं करते हैं। बेड मोर्टार ऐड करने के बाद जो मेरे को वैल्यू मिली उसका वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल के जो टोटल वॉल्यूम था उससे डिवाइड कर दिया, तो वहां से मेरे को नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल गए फ्लाई एश के कंडीशन में। तो चलिए देखते हैं साइट में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग फ्लाई एश ब्रिक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और विजिट करना ना भूलें www.civilguruji.com पे, जहां पे आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें आई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।